मैं बात कर रहा हूं और तुम चले जा रहे हो। गौतम बोले, मैंने बहुत पहले ही जाना बंद कर दिया था। मेरी कहीं जाने की कोशिश बहुत पहले ही बंद हो चुकी है, मैं पहुंच चुका हूँ, लेकिन आप कहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं। तब अंगुली वाल हंस पड़ा। वो बोला, बकवास, तुम जरूर एक पागल आदमी हो। मैं यहीं खड़ा हूँ और तुम कहते हो मैं जा रहा हूँ। तुम जा रहे हो और कहते हो रुक चुके हो, तुम्हें हुआ क्या है? गौतम बोले, नहीं नहीं, मैं बहुत पहले ही पहुंच चुका हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा, लेकिन आप कहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको तरीका नहीं पता। आपको मेरी उंगली चाहिए या मेरी गर्दन? मेरे सिर को पेंडेंट बनाकर लटका लीजिए। उंगलियां तो हैं ही, अब मेरा सिर लटका लीजिए, ये हार में अच्छा पेंडेंट होगा, क्योंकि मुझे मंजिल मिल गई है। अब मेरे शरीर से यहाँ होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो चाहें कर सकते हैं। देखिए, हत्या करने में मजा तभी आता है जब कोई डर जाए और मरना न चाहे। जब कोई मरना चाहे, उसे परवाह ना हो, तो उसे मारने का क्या फायदा? और ऐसा लग रहा था कि इसे मारकर भी 101 लोगों की मारने की वासना पूरी नहीं होगी, क्योंकि इसे मारकर खुशी नहीं मिलेगी। फिर वो बोला, मुझे बताओ ये क्या है? तुम चल रहे हो पर कहते हो रुक चुके हो, मैं खड़ा हूँ और तुम कहते हो मैं चल रहा हूँ। आप अपने तरीके से तृप्ति खोज रहे हैं। 101, I'm fulfilled. There's a big difference. मैं तृप्त हो चुका हूँ, यही बड़ा फर्क है। आप मेरी जान ले सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप तृप्त हो जाएंगे तो, क्योंकि लोगों को तृप्त करना ही मेरा काम है। अगर ये इतनी आसानी से बिना शिक्षा के मेरा गला काट कर हो जाए, बस काट दीजिए, समस्या क्या है? तब अंगुली माल उनके स्टार शिष्य बन गए। फिर गौतम बोले, आप उस शहर में जाओ जहाँ के 100 लोग आप मार चुके हो। एक छोटे से शहर के 100 लोग, यानी उसने लगभग हर परिवार के किसी व्यक्ति को मार डाला था, तो गौतम ने उसे साधु बना दिया। गौतम के साधुओं को भिक्खु कहते थे, भिक्खु यानी भिखारी। तो उन्होंने उसे पीले कपड़े और एक भीख का कटोरा दिया। वे बोले, जाओ शहर में भोजन ढूंढो। तो अंगुलीमाल शहर में गया एक साधु के रूप में। लोग उसे देखकर डर गए, वे नहीं जानते थे कि वो यहाँ क्यों आया है। वे सब जाकर अपनी छतों पर खड़े हो गए, क्योंकि वे उससे डर रहे थे। फिर जब उन्होंने देखा कि वो बदल गया है और अब भयंकर आदमी नहीं रहा, तो वे पत्थर फेंकने लगे कि हर परिवार के लोगों को उसने मारा था। तो वो चलता रहा, उसे पत्थर लगते रहे और खून बहता रहा। जब पत्थरबाजी कुछ ज्यादा हो गई, गौतम आए और लोगों को रुकने के लिए कहा, ये वो आदमी नहीं है, ये आदमी मेरा हिस्सा है, तुम मुझ पर पत्थर फेंक रहे हो। इसे मारने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत मुश्किल तरीके से एहसास हुआ है, अब इसे मार कर बर्बाद मत कीजिए। तब अंगुली माल, जैसे कि मैंने कहा, एक स्टार शिष्य बन गए। देश में बुद्ध के जीने के तरीके और उनका ज्ञान फैलाने लगे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसी तृप्ति चाहते हैं। आपको लगा था कि शिक्षा से तृप्ति मिलेगी,